चुनाव से पहले शासकीय विभागों में पदस्थ कर्मचारी अपनी लंबित मांगे मनवाने के लिए धरना, रैली, हड़ताल कर शासन पर दबाव बना रहे हैं। सोमवार को 3 दिन के सामूहिक अवकाश के बाद जिले के पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। दोपहर 1 बजे के बाद उन्होंने तहसीलों में बस्ते जमा करा दिए। हड़ताल से जनता से जुड़े कई काम अटकेंगे, खासकर पटवारियों द्वारा किए जाने वाले नामांतरण और जाति प्रमाण पत्र जैसे 7 महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकेंगे। पटवारियों ने बताया कि लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। गत दिनों ज्ञापन देकर चेतावनी दी थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं होने से प्रदेश भर के पटवारी तहसील ऑफिस में अपने बस्ते जमा करवा रहे हैं। इसके बाद कलमबंद हड़ताल शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पटवारी संघ मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर वेतन विसंगति को दूर करने के लिए आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। ये अनिश्चित है सर, जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक अनिश्चित हड़ताल जारी रहेगी। क्या मुख्य मांगे हमारी 2800 होते हैं। अगर इसके बाद की समस्या का निराकरण नहीं होता नहीं होता उसके बाद तुम हड़ताल चलती रहेगी ना। क्या नाम है आप? मैं कृष्णकांत सोनी, अध्यक्ष। प्रतीक्षित मांग है। सन 98 में पहले मुख्यमंत्री जी ने बोला था, फिर 2007 में बोला था कि आपकी मांग वेतनमान आपका 2800 पे ग्रेड कर दिया जाएगा, लेकिन आज 2023 25 साल होने के बाद भी हमारे वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि आ रही राजस्व निरीक्षकों का वेतनमान बढ़ा दिया गया है, वो भी हमारे साथ ही। हम 2100 पे ग्रेड पे थे, वो 2400 पे थे। जब उनका 2800 किया गया तो फिर हमारा 2400 तो करना था, लेकिन अब उनका 2800 कर देगा। हम ये चाहते हैं कि उनका 3200 हो, हमारा 2800 हो और हमारी मांगे पूरी की जाए शासन द्वारा। क्या नाम है आप? पवन कोठारी, पटवारी, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।